So welcome back to Achievers British Academy, and I hope you are all doing well and everybody is well, and may God bless all of you. So in this session I am going to discuss about able to. Able to kab use karte hum, jaise I already have discussed has to, have to, will have to, and about to, and able to in this session we will discuss. So many things we have already discussed. Now in this session we are going to discuss what? Able to कब यूज होता है? जब किसी की योग्यता के लिए, जैसे मैं अपनी योग्यता, किसी और की योग्यता, या किसी थर्ड पर्सन की योग्यता, या उसके सक्षम होने की, या योग्य होने की, हम या ये दिस इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस. एबल टू, जैसे वो सेंचुरी बनाने लायक है, वह सुबह घूमने लायक है, वह हमारी इंडिया टीम में लेने लायक है. तो इस तरह के शब्द हम जहाँ योग्यता में एबिलिटी की बात आती है वहां पे हम एबल टू यूज करते हैं. जैसे लेट्स बिगिन सम एग्जांपल, लेट्स टेक सम एग्जांपल. जैसे मैं कहूँ यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलने के योग्य हो, तुम बोलने के सक्षम हो. जैसे मैं कहूँ वह कुछ भी करने लायक है, वह ही इज एबल टू डू एनीथिंग. ही इज एबल टू डू एनीथिंग. एबल टू मतलब किसी करने लायक, सभी कुछ सब करने लायक सक्षम है. तुम दूसरे की हेल्प करने के लिए सक्षम हो. यू आर एबल टू यू नो डू हेल्प अदर्स. और यू आर एबल टू यू नो, अब मैं कहूँ जैसे वह डांस करने के लिए योग्य है. सी इज एबल टू डांस ऑन द स्टेज. वह स्टेज पर डांस करने के लिए योग्य है. प्रेजेंट में मैं ले रहा हूँ. और अगर मैं कहूँ वह गाने योग्य है, ही इज एबल टू सिंग ए सॉन्ग, या इसी को हम कैपेबल इनफ भी कह सकते हैं. ही इज कैपेबल इनफ टू सिंग अ सॉन्ग. सो किसी की कैपेबिलिटी या योग्यता को हम अगर यूज करना है इंग्लिश में तो हम एबल टू यूज करते हैं. जैसे मैं आई एम एबल टू टीच यू व्हाट इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने के योग्य हूँ. आई एम एबल टू व्हाट टीच यू आईटी कोर्सेज, बिकॉज आई एम आईटी प्रोफेशनल, आई एम आईटी टीचर एंड इंग्लिश टीचर. सो आई एम एबल टू टीच यू इंग्लिश एज वेल एज आईटी मींस कंप्यूटर्स. सो दिस इज इन प्रेजेंट. यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. सी इज एबल टू डांस ऑन द स्टेज. ही इज एबल टू सिंग अ सॉन्ग. ही इज एबल टू यू नो हेल्प अदर्स. He is able to do anything. तो this is you know we talk about the present. अगर मैं उसी में past की बात करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं आप cricket खेलने योग्य थे. था आ गया तो was over का use करेंगे past के sense में. You were able to play football. वह cricket के योग्य था. He was able to you know play cricket. वह पार्टी में गाना गाने के योग्य था. ही वॉज एबल टू सिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी. वह डॉक्टर कहे कि अगर मैं फ्यूचर में बात करूं तो वह मैं जैसे डॉक्टर में कोई कहीं पेशेंट एडमिट है और डॉक्टर कहता है कि नाउ विद इन टू मंथ्स वह बोलने के लायक हो जाएगा, बोलने के योग्य हो जाएगा, या वह दौड़ने के योग्य हो जाएगा, वह चलने लगेगा. तो फ्यूचर में अगर उसकी एबिलिटी की बात करें वह ऐसा कर पाएगा, वह ऐसा कर लेगा, तो उसकी एबिलिटी शो करेंगे तो फ्यूचर में हम फ्यूचर टेंस में विल एबल टू लगाएंगे, और पास्ट में तो वॉज एबल टू और वर एबल टू. जैसे यू वर एबल टू प्ले फुटबॉल, यू आर एबल टू प्ले यू नो क्रिकेट, और सी वॉज एबल टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, सुबह जाने लायक योग्य है. ही वॉज एबल टू सिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी. वह गाना गाने लायक था पार्टी में. तो इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट में और पास्ट में. नाउ फ्यूचर के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. सो फ्यूचर में अगर हम बात करें तो इसके साथ कैसा आएगा, मैं एक आपको फॉर्मूला बता देता हूँ. फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे मैं कहूँ डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वह 2 महीने में बोलने लग जाएगा, या मैं कहूँ वह अंग्रेजी में बोलने लग जाएगा, वह अंग्रेजी पढ़ने लग जाएगा, वह डांस कर पाएगा, वह वीक विद इन अ वीक वो अपना विद इन अ वीक वो अपना काम कर लेगा. इस तरह की एबिलिटी को हम विल बी लगाएंगे इसमें फ्यूचर में
जैसे मैं कहूं आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, और आई विल बी और ही विल बी एबल टू यू नो टू स्पीक विद इन 2 months और विद इन वीक। वैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया पेशेंट को कि वो 2 महीने, उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो 2 महीने बाद या दो हफ्ते बाद बोलने लग जाएगा, देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट यू नो माउथ, तो ही विल बी एबल टू स्पीक विद इन वीक्स और विद इन मंथ और विद इन 2 months, और ही विल बी एबल टू डांस, वो डांस कर पाएगा। ही विल बी एबल टू प्रिपेयर फूड विद इन यू नो विद इन एन आवर और 2 hours। सो दिस इज विल बी हम लगा देते हैं विल बी, और प्रेजेंट में ऑलरेडी डिस्कस, पास्ट में वॉज ओवर आएगा और फ्यूचर में विल बी एबल टू, वॉज एबल टू, वर एबल टू, एंड प्रेजेंट में मैंने आपको बताया सिंपल विल एबल टू आएगा, यू आर एबल टू डू दैट वर्क, यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, इस तरह के सेंटेंस में हम एबल टू लगा देते हैं जहां योग्यता और क्षमता और अपनी एबिलिटी शो करनी हो। जैसे आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, और अगर मैं कहूंगी अब मैं 2 महीने बाद कैपेबल हो जाऊंगा इंग्लिश बोलने के लिए, तो आई विल बी एबल टू यू नो स्पीक इन इंग्लिश विद इन 2 months। सो थैंक्स अ लॉट एंड जस्ट बेस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मे गॉड गॉड ऑल ब्लेस ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और स्टे ट्यून, स्टे इनफॉर्म, कीप लर्निंग, कीप स्टडी, एंड जस्ट क्लिक ऑन राइट बटन, रेड बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड राइट द कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरीज, देन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।